गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। दिस इज लेक्चर 4 ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स। हम वेक्टर एनालिसिस को पढ़ रहे थे। वेक्टर एनालिसिस के पहले वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था, आज उसके आगे चलेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट? लेट वी हैव वेक्टर A and B, two vectors which is not parallel to each other. This is make an angle theta. This is A vector and this is B vector. This is B vector. Okay. This is point and direction will be perpendicular to this. Here from here. इसको हम erase कर देते हैं। दिस इज एन कैप डायरेक्शन। ओके, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल से हमें ए क्रॉस बी के डायरेक्शन निकालना है, तो हम को राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे वेक्टर ए से वेक्टर बी के साइड। वेक्टर ए से वेक्टर बी के साइड हम जब हैंड को कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। ओके, दिस इज एन कैप डायरेक्शन या दिस इज एन कैप डायरेक्शन, दिस इज अपवर्ड डायरेक्शन। थंब जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हम उंगलियों को कर्ल करेंगे राइट हैंड के फिंगर्स को ए से बी की डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में एन कैप आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये इनटू में रहेगा। ओके, दिस इज द थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगर हमें वेक्टर ए क्रॉस बी दिया है, ओके, तो हमें डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो हम डायरेक्शन फाइंड इस तरह से करते हैं, एन कैप डायरेक्शन ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके, दिस इज द डायरेक्शन एन कैप। दिस इज डायरेक्शन एन कैप। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, जीरो डिग्री की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ए क्रॉस बी के, तो थीटा जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये दिस इज द थीटा एट 90 डिग्री। ओके, हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी डिस्कशन कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हम इस टर्म को याद रखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब क्वेश्चन में मेंशन है वेक्टर प्रोडक्ट, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? वेक्टर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। वेक्टर ए क्रॉस बी
नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए, क्योंकि इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे चेंज करेंगे तो हम अगर हमें लिखना होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, तो हम हमारी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए, हम इसको चेंज करेंगे बी वेक्टर को तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके वी कैन राइट लाइक दैट। प्रॉपर्टी सेकंड डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी सेकंड? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? हम इसको एम, इफ एम ए क्रॉस बी वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके एंड आल्सो इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, वेयर एम इज ए स्केलर। ओके स्केलर, एम इज ए स्केलर नॉट ए वेक्टर, एम इज ए स्केलर, एम इज ए स्केलर मीन्स एम इज ए कॉन्स्टेंट, हम कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए प्रॉपर्टी होती है। तीसरा पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। इफ एम ए क्रॉस एन बी, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए वेक्टर क्रॉस एन बी वेक्टर, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एन एम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज फोर्थ प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके मींस सब में बी वेक्टर सी वेक्टर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब अंदर इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए को अंदर ले जाएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ओके दूसरी क्या होगा इस पॉइंट का, दूसरी हो जाएगी अगर बी प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ध्यान देंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेम नहीं है, अगर हम इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ वैल्यू माइनस आ जाएगी। ओके यहाँ पे भी माइनस आ जाएगी, यहाँ पे अगर हम इसके इक्वल लिखना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे तो माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर। ओके तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, वी कैन राइट लाइक दैट। इसके इक्वल टू ये माइनस के इक्वल टू हो गया ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के, इस पॉइंट के फर्स्ट पॉइंट के, तो हम इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये इसमें रिलेशन है। ओके हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो वैल्यू माइनस हो जाती है क्रॉस प्रोडक्ट, ये ध्यान देने की बात है। फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी? सेम इसमें जैसे प्लस है इसमें माइनस हो जाएगा, माइनस में भी सेम रहेगा, आप इसको कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो है, ओके तब क्या होगा ए बी पैरेलल होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी पैरेलल, बिकॉज पैरेलल होगा तो कॉस साइन थीटा विल बी जीरो डिग्री, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखें ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए बी ए वेक्टर बी वेक्टर साइन, यहाँ पर जीरो डिग्री थीटा है तो थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो होल वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ओके दिस ए क्रॉस बी विल बी जीरो। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके हम यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस मीन्स आई कैप, दिस इज जे कैप वाई एक्सिस, दिस इज के कैप जेड एक्सिस। ओके हम यहाँ पे आई दिस इज आई दिस इज जे दिस इज के,
तब क्या हो जाएगा, आई यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, आई क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप हो जाएगा। यहाँ पे साइक्लिक आई क्रॉस जे के और के क्रॉस जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप आ जाएगा। ऐसे साइक्लिक क्रम में चलता है, तो जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप इक्वल हो जाएगा। और अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप लें तो ये जे कैप हो जाएगा। अगर हम वही आई कैप क्रॉस सेम वैल्यू लें, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू विल बी बिकॉज आई कैप के साथ जीरो डिग्री बना रहा है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सेम लाइक दैट जे क्रॉस जे कैप की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी बिकॉज जे कैप के साथ जीरो एंगल बना रहा है। तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, होल वैल्यू विल बी जीरो। इसी तरह के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। दिस इज अ पॉइंट। वहीं अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में लें इसकी वैल्यू, तो लेट एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में लें तो जे आई कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे कैप डायरेक्ट माइनस जे। दिस इज माइनस जे। और हम एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन में हम के कैप एरो के अपोजिट डायरेक्शन में लें, के कैप क्रॉस जे कैप विल बी अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई कैप बिकॉज दिस इज एंटी क्लाक वाइज डायरेक्शन। तो के कैप क्रॉस जे कैप विल बी माइनस आई कैप एंड जे कैप क्रॉस आई कैप विल बी माइनस के कैप डायरेक्शन। दिस इज अ प्रॉपर्टी, इसको याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी को इन सब प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन फॉर एनी वेक्टर ए मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। ए ऑप्शन है ए वेक्टर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 ए वेक्टर स्क्वायर एंड सी ऑप्शन है 3 ए वेक्टर स्क्वायर और डी ऑप्शन है 2 ए वेक्टर, ओनली 2 ए वेक्टर। ये एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये आईआईटी के एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको सॉल्व करें आईआईटी मेन में 2005 में पूछा था, आप इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए हम करवाते हैं, सोलूशन क्या हो जाएगा। सोलूशन वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए हम लेट कर लेंगे, यानी वेक्टर ए हम लेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वन आई कैप हम लेट कर ले रहे हैं, ए वन आई कैप ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। देन ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, पहले वाले टर्म को, इस पहले वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप। तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से, तो ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए वन वेक्टर है, ए आई कैप की जगह पे ए वन ए वेक्टर है ए वन, और जे कैप की डायरेक्शन जे कैप की जगह पे ए टू एंड के कैप की प्लेस पे ए थ्री एंड आई कैप की प्लेस पे दूसरे वेक्टर आई कैप प्लेस पे वन, इसकी वैल्यू बिकॉज मैग्नीट्यूड इज वन। इन आई फॉर आई कैप वेक्टर वन एंड जे कैप नहीं है तो जीरो एंड के कैप भी नहीं है तो जीरो। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू आई कैप को पहले सॉल्व करेंगे, आई कैप क्या हो जाएगा जी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, ये भी जीरो, दोनों वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम जे कैप को सॉल्व करेंगे तो जे कैप क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। दिस इज माइनस जे कैप, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे
ए वन जीरो माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ए थ्री इंटू वन विल बी ए थ्री प्लस हम के कैप को सॉल्व करेंगे, के कैप को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये इसकी इसके मल्टीप्लाइंग करेंगे जीरो हो जाएगा। ओके तब क्या बचेगा, माइनस ए टू, वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, माइनस ए टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए थ्री जे कैप माइनस ए टू के कैप। ओके तो ये वैल्यू आ गई ए क्रॉस आई कैप की। इसी तरह से हम ए क्रॉस जे कैप को भी सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप सॉल्व करिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक वेक्टर क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम लाइक डेट ए वन के कैप माइनस ए थ्री आई कैप, और ए वेक्टर क्रॉस के कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए वन जे कैप प्लस ए टू आई कैप। ओके हम ये सब की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में हम इन सब की वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर लेंगे। ओके तो ये है ए थ्री जे कैप माइनस ए टू के कैप का होल स्क्वायर प्लस ए वन के कैप, ए वन जे कैप ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के प्लेस पे ए वन के कैप माइनस ए थ्री आई कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए वन जे कैप प्लस ए टू आई कैप का होल स्क्वायर। हम इसको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ए थ्री जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए टू के कैप का होल स्क्वायर माइनस टू ए थ्री ए टू जे कैप इंटू के कैप। ओके इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी बिकॉज जे डॉट के वैल्यू विल बी जीरो, हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाया था आपको पिछले लेक्चर में। ओके नहीं आपने देखा है मेरा पिछला लेक्चर डॉट प्रोडक्ट वाला, तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इसकी वैल्यू भी सेम तरह से सॉल्व करेंगे, के कैप होल स्क्वायर प्लस ए थ्री आई कैप का होल स्क्वायर माइनस टू ए वन, यहाँ से लिख देते हैं टू सॉरी माइनस माइनस टू ए वन, दिस विल बी टू ए वन ए थ्री के कैप डॉट आई कैप। ओके अब इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे से लिख देते हैं प्लस इस वाले टर्म को, तीसरे टर्म को मॉड में, दिस इज अंडर मॉड। ओके दिस इज अंडर मॉड, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तीसरे वाले टर्म को ए वन जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए टू आई कैप का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू ए वन ए टू जे कैप क्रॉस आई कैप। ओके तो इसकी वैल्यू जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहाँ पे के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू जीरो हो जाएगी और जे डॉट आई कैप की वैल्यू विल बी जीरो। ओके तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे हम स्क्वायर इस स्क्वायर टर्म को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए थ्री स्क्वायर जे डॉट जे कैप। ओके स्क्वायर जे का भी होगा तो जे डॉट जे कैप वैल्यू विल बी वन, सेम लाइक डेट के डॉट के कैप वैल्यू विल बी वन। ओके सेम आई डॉट आई कैप वैल्यू विल बी वन, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं इक्वल टू ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ओके बिकॉज इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, वहाँ पे आई कैप की वैल्यू वन हो जाएगी। ओके और इसको हम लिख सकते हैं दूसरे वाले टर्म को ए वन स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। ओके तब हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए वन टू ए वन हो जाएगा, टू ए वन स्क्वायर यहाँ पे है, ऐड करेंगे यहाँ पे ए टू, यहाँ पे भी ए टू, टू ए टू, टू ए टू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए थ्री है टू ए थ्री स्क्वायर, हम टू कॉमन लेंगे, टू कॉमन ले लेंगे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये किसका है, यहाँ पे वेक्टर ए हमने माना है, लेट हमने वेक्टर ए क्या किया है, लेट हमने वेक्टर ए क्या किया है, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, इसका हम मॉड निकाल लेंगे वेक्टर ए का, यहाँ पे हम मॉड वेक्टर ए का निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ओके, अगर हम वेक्टर ए का मॉड निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए का हम यहाँ पे मॉड निकालें तो क्या हो जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ओके, दिस इज अ वेक्टर ए का मॉड। तो हम यहाँ पे इसके प्लेस पे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर के प्लेस पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का, ओके, वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ओके, वेक्टर ए का होल स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें वेक्टर ए का होल स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। ओके, दिस इज वेक्टर ए का होल स्क्वायर। इसके प्लेस पे ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं टू वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ओके, दैट इज द आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, टू, ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन खूब सॉल्व करें। दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ओके, इसमें क्या लिखा है, ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है इस वेक्टर ए एंड बी का। हम बताए थे आपको पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है क्या होता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। सिंपली इसमें इसको ए क्रॉस बी फाइंड करके इसमें सिंपली वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन आसान है सॉल्व करिए। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड करेंगे पहले, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस सिक्स माइनस थ्री एंड फोर थ्री माइनस वन। हम इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप क्या हो जाएगा, सिक्स थ्री थ्री या नाइन प्लस नाइन माइनस है माइनस प्लस नाइन, यहाँ पे माइनस जे कैप माइनस टू, यहाँ करती हैं बारह माइनस है प्लस माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा फिर ट्वेल्व हो जाएगा प्लस के कैप इधर क्या हो जाएगा, थ्री टू या सिक्स एंड सिक्स हो जाए ट्वेंटी फोर माइनस है तो इधर भी माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस ट्वेंटी फोर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिफ्टीन आई कैप माइनस टेन जे कैप प्लस थर्टीन के कैप। ओके, नाउ हम इसको अदर इधर से हम फाइव कॉमन ले लें, फाइव अगर हम कॉमन ले लें इस तरह से तो थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ओके, ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, नाउ हमने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है, ए क्रॉस बी क्या आया है वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई है, फाइव ब्रैकेट में देख लेते हैं वैल्यू क्या है इसकी, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ओके, दिस इज द ए क्रॉस, हम यहाँ पे मॉड एक क्रॉस भी निकालेंगे, इसका हम सिंपली मॉड ले लेंगे, यहाँ पे फाइव हो जाएगा अंडर रूट थ्री स्क्वायर डायरेक्टली है नाइन प्लस फोर प्लस थर्टी सिक्स। ओके, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्टी फाइव, दिस इज द थर्टी, ओके दिस इज द, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज द नाइन। ओके, फोर्टी फोर्टी थर्टी सिक्स प्लस फोर फोर्टी फोर्टी नाइन, दिस इज स्क्वायर ऑफ सेवन, फाइव इंटू सेवन थर्टी फाइव। ओके, ए क्रॉस की वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आ गई, थर्टी फाइव। हम सिंपली यूनिट के फार्मूला में रख देते हैं, डायरेक्शन के फार्मूले में यूनिट वेक्टर के, क्या हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आई है,
थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप, दिस इज टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, एंड इसकी वैल्यू कितनी आई है 35। सेवन दिस इज सेवन एन कैप, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 1/7 थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ओके दिस इज द आंसर। नाउ मूव फॉरवर्ड, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स एरिया। हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसको डिस्कशन हम करेंगे। ओके फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट हम एरिया निकालना सीखेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कैसे निकाला जाता है। ओके इफ़ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए एंड बी, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपली ए क्रॉस बी का मॉड। ओके दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें निकालना हो ट्रायंगल का एरिया एंड एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड क्या है, ए एंड बी है, सॉरी दिस इज ए एंड बी है, तो हम एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल एरिया। थर्ड पॉइंट, इफ इट ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द ए बी एंड दिस इज द सी, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ओके दिस इज ए वेक्टर ए बी एंड सी, इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर, ओके दिस इज द बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर एंड दिस इज द बी सी वेक्टर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, या तो हम बी सी वेक्टर बी एंड सी, बी सी वेक्टर क्रॉस बी ए वेक्टर, और 1/2 सी बी वेक्टर, दिस इज सी बी वेक्टर, सॉरी दिस इज सी बी वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर, दिस इज द मॉड। ओके हम सॉल्व करेंगे तो इसका मॉड ले लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ये एडजेसेंट साइड का आ जाएगा, ये पैरेललोग्राम का आ जाएगा। ना यहाँ पे इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड वेक्टर भी दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो हमको फाइंड एरिया। एरिया का है या पैरेललोग्राम का एरिया का है, तो सिंपली हम पैरेललोग्राम का ए क्रॉस बी करके मॉड निकाल के एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉड, सिंपली एरिया ये हो जाएगा इक्वल टू, हम इसका पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, आई कैप जे कैप प्लस के कैप 3, 1, 4, 1, -1 एंड 1। ओके हम इसको फाइंड कर लेंगे क्या आ जाएगा, आई कैप सॉल्व करेंगे 1 माइनस, दिस इज -4 प्लस माइनस इधर, तो प्लस 4 आ जाएगा, माइनस जे कैप इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4 प्लस के कैप क्या हो जाएगा, -3 -1। ओके दिस इज द माइनस आई, इधर क्या हो जाएगा 5i कैप, ओके 5i कैप माइनस, इधर करेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस जे कैप, 1 बचेगा इधर, तो 1 मल्टीप्लाई जे जे कैप, इधर -4k कैप। ओके दिस इज द ए क्रॉस ई, दिस इज द ए क्रॉस बी, हम इसका मॉड निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 + 1 + 16, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √14, 42। ओके √42 यूनिट स्क्वायर, बिकॉज दिस इज ए एरिया स्क्वायर,
सॉरी स्क्वायर। तो हमारा एरिया क्या आ गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू अंडर रूट 42 यूनिट स्क्वायर। ओके दिस इज मे बी यहाँ पे ए क्रॉस बी का यूनिट स्क्वायर, दिस इज द क्वेश्चन। ओके आई होप समझ में आ गया होगा एरिया कैसे फाइंड करते हैं। व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, इफ वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अदर मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 डिग्री होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मतलब ए बी ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, देन क्या हो जाएगा ए बी ए डॉट बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके दिस इज द ऑर्थोगोनल यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यह है कि क्वेश्चन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, जल्दी से लिख लेते हैं हम एग्जांपल। ओके ये क्वेश्चन है, हमने लिख लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इज ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप, वेक्टर है वेयर ए एंड बी ए नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों इक्वल नहीं हैं, आर कांस्टेंट। ओके ए और बी कांस्टेंट है एक, जो दोनों इक्वल नहीं हैं, एंड आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। ओके इसमें से ऑप्शन है माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ओके माइनस ए आई कैप माइनस बी जे कैप माइनस बी आई कैप माइनस ए जे कैप। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए फिर हम बताते हैं, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें, जब तक आप अपने से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं। हम बता देंगे आप नोट कर लेंगे, इससे आपको कुछ आएगा नहीं, आप सॉल्व करेंगे तो तब गलतियाँ पकड़ में आएंगी कि हम कहाँ गलती कर रहे थे। तो आप इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए फिर हम बताते हैं। ओके आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो वेक्टर है आई कैप प्लस बी जे कैप वो इन किन वेक्टरों के साथ ऑर्थोगोनल है। ओके जो ऑप्शन दिया गया है हमने आपको फार्मूला बताया है क्या, ए वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओके विल बी जीरो, तो जब जिस वेक्टर के साथ ये वेक्टर जीरो होगा उसी के साथ ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होगा। तो इसमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो इस वेक्टर के साथ जीरो डॉट प्रोडक्ट में जीरो होगा, तो हम लिख लेते हैं ए डॉट बी ओके शुड बी जीरो शुड बी जीरो। हम फर्स्ट के साथ ट्राई करते हैं, फर्स्ट के साथ ट्राई करेंगे ए वेक्टर क्या है, दिस इज द ए वेक्टर ओके ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दिस इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट, हम इस पहले वाले ऑप्शन के साथ ट्राई करते हैं बी आई कैप प्लस ए जे कैप, ये जीरो होगा तब इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा अदरवाइज नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका से इसका डॉट ले लेंगे तो ए मल्टीप्लाई कर देंगे ए माइनस बाहर आ जाएगा बी आई कैप डॉट आई कैप वैल्यू वन हो जाएगी ओके प्लस ए जे डॉट और आई कैप की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हम इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ लिखेंगे बी जे कैप माइनस बी जे कैप तो माइनस बी आई कैप ओके इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी बिकॉज जे कैप डॉट आई कैप वैल्यू विल बी जीरो, तो बी बी जे कैप प्लस ए जे कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी जे कैप की वैल्यू वन हो जाएगी ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई डॉट आई कैप की वैल्यू आल्सो वन हो जाएगी ओके माइनस ए बी प्लस ए बी आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जीरो आ जाएगा ठीक है। तो ए इस ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही हम दूसरे के साथ ट्राई करें तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर मान लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप, दूसरे ऑप्शन के साथ ट्राई करेंगे तो वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए ओके तो माइनस ये आई कैप वैल्यू वन हो जाएगी सिंपली माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा
ओके, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप जे कैप वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसके साथ जे कैप आई कैप वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो बी जे कैप एंड बी जे कैप प्लस बी स्क्वायर, ओके जे कैप वैल्यू वन हो गए, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये ऑप्शन गलत नहीं होगा। सेम इसी तरह से ये भी नहीं होगा और सेम इसी तरह से ये भी नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर तक यहीं तक आज का लेक्चर, आगे हम मिलते हैं दूसरे लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी हेल्प हो। ओके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं डेली डेली उसको आप रिवीजन करते चलिए। थैंक यू।